अस्सलाम वालेकुम। तो भाईजान 2000 वाली सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में हम लोग पहुंच चुके हैं फाइव स्टार चौरंगी नॉर्थ नाजमाबाद पे। लेकिन वैसे ये भी जो है ना किसी फाइव स्टार से कम नहीं है माजिद, यहाँ पर भी जो है ना 2000 जरा लड़खड़ाएगा। इतनी आसानी से ये फूड स्ट्रीट भी हमें 2000 में इतना कुछ समेटने नहीं देगी। लेकिन हम भी है फिर खतरों के खिलाड़ी, हम भी समेटते ही जाएंगे और फिर ये देखते हैं कि 2000 में हम लोग यहाँ पर 2024 के दौर में कितना कुछ और क्या क्या कुछ खा सकते हैं, मतलब हजम कर सकते हैं। तो आइए फिर अपने रिवायती अंदाज में चल के इस वीडियो का आगाज करें। चलो अब जरा हमेशा की तरह ये बताओ कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, क्या करना है। तो फिर हमेशा की तरह मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि स्टार्ट कुछ तगड़े से कर दो। स्टार्ट थोड़ा तगड़ा होना चाहिए और आगे जब फंसे तो फिर ये तगड़े वाले अल्फाज किधर रह गए। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्टार्ट थोड़ा तगड़े से होना। शुरू में तगड़ा होगा, पीछे फिर जो ना अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसको कवर कर लिया जाता है ना। चलो फिर तगड़े के चक्कर में मैं तुम्हें जो है ना फायर वाली निहारी खिलाता हूँ, और वो मैं तुम्हें निहारी खिलाऊंगा दिल्ली सुहेल निहारी से, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फाइव स्टार में बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस है। जिस तरह कराची में निहारियां फेमस है ना दो चार, उसमें इसका भी नाम आता है भाई, दिल्ली सुहेल निहारी का। भाई ये हमारी लग रही है, कौन सी निहारी है ये? फायर निहारी, फायर निहारी। भाई यहाँ पर अभी फायर होंगे, अभी आप जरा देखिएगा, ऊपर छत पे आग लग जाए। ये देसी घी आ गया भाई, इसी का तड़का लगाता, अभी एक दफा और तड़का लगाते हैं हम लोग। कितनी देर तक गर्म करते हैं? तकरीबन दो मिनट लगेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें अभी ये फायर होगा इंशाल्लाह ताला। अब ये तो पूरे फ्राई पैन में आग लग गई है। माशाल्लाह भाई, पहले भी मैंने जो है ना निहारियों में फायर देखा लेकिन इस तरह का नहीं देखा भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसा फायर नहीं देखा। ये देखे भाई, ओए होए, जलवे पर देखिए छत पर कहीं जली तो नहीं है? भी फालसी नहीं जलेगी, लकड़ी की तो नहीं है ये? जी हाँ, ये लकड़ी का काम हुआ हमारे, लकड़ी का। उसके बावजूद भी यहाँ पर आग का काम कर रहे हो आप। एक लगा वहाँ पर देसी घी का तड़का, अभी दूसरा तड़का हम लगाएंगे, पता है कौन सा? लीमू का तड़का। निहारी के अंदर लीमू का तड़का, बहुत ही पतली मुनासिब कटी हुई अदरक और ये सब्ज मिर्च। निहारी की प्लेट अब कम्प्लीट हुई है माजिद, और ये आ जाते हैं भाई हमारे पास गर्मा गर्म नान। कोई पीस देखो अच्छा खासा बड़ा है, ये है सिंगल प्लेट, और ये इसके टेंडरनेस का लेवल है। और वाकई निहारी में अगर ये टेंडरनेस ना होना तो समझो निहारी फिर जो है ना बेचने का आपको कोई फायदा नहीं। ये निहारी होती है या नहारी होती है? मुझे तो लगता है असल जो वर्ड है ना, 17वीं सदी में शाहजहां ने जब इसकी बुनियाद रखी थी तो उस वक्त शायद बोला जाता था नहारी, हम लोगों ने निहारी कर दिया। निहारी वैसे तो है ही कमाल, लेकिन देसी घी के तड़के ने ना वाकई तड़का लगा दिया और उसके टेस्ट को बढ़ा दिया। और ऐसा नहीं है कि बस देसी घी डल गया और नान का डल गया, बकायदा उसका टेस्ट भी आ रहा है इसके अंदर। निहारी के अपने ऑथेंटिक जो जायके हैं वो तो आ ही रहे हैं, साथ में देसी घी के मजे भी आ रहे हैं भाई, क्या बात है। आज मुझे तुम कह रहे थे ना हैवी से स्टार्ट करवाओ, जरा इससे ज्यादा हैवी और हो नहीं सकता भाई। दम है भाई, दम है। हाँ तो सईद भाई, ये निहारी हमारे कितने ले गई? हम लोगों ने सिंगल निहारी मंगाई है, ठीक है, और ये थी 500 रुपए की, लेकिन इसके ऊपर जो तड़का लगा के दिया ना देसी घी का, उसके 50 रुपए इसके और ऐड कर दो तो ये हो गई 550 रुपए की। यार ये तड़के के समय 550। हाँ, जो जाहिद और जावेद आजकल इनकी तो निहारियां चल रही हैं तकरीबन कोई 650 रुपए तो सिंगल है इनकी भाई, है ना, और टेस्ट बिल्कुल वही सेम। और हम लोगों ने साथ में दो नान खाए, वो थे 60 रुपए के, टोटल हमारे हो गए 610 रुपए। तो फिर क्या खाना है आगे? अब क्या खाना है भाई? पहला हैवी आइटम तुम्हारे कहने पे हुआ, अब दूसरा हैवी आइटम मेरे कहने पे होगा। आओ तो मैं तुम्हें जो ना डबल डेकर नहीं डबल पेटी जिंगर बर्गर खिलाता हूँ। अबे 800-1000 तो यही निकल जाएंगे, फिर पीछे बचा क्या भाई? पीछे की बाद में देखी जाएगी, पहले ये देखो। तो ये डबल पेटी जिंगर मैं तुम्हें खिलाने वाला माजिद बेला चाव से। अब ये बर्गर चाव इतना भारी रहने वाला है कि इसको चाव। अच्छा सिंगल पेटी ज्यादा चल रहा है डबल? हमारे पास दोनों की डिमांड माशाल्लाह से ज्यादा है। दोनों की ज्यादा है जी, वाकई भाई डिमांड नजर आ भी रही है वाकई। वैसे मनीष क्या सोचकर नाम रखा है भाई आपने? ये हमारे ऑनर का आइडिया था। ऑनर का आइडिया था। वैसे मनीष पार्ट 6 भी आने वाला है, वो क्या लगता है जिंगर बर्गर से स्टार्ट होगा? चले भाई ये हमारा भी डबल पेटी जिंगर लग रहा है। इसके अंदर से गोश्त देखें आप। हाँ, ये मीट की क्वांटिटी देखें वाकई भाई। बस ये रेडी हो गया, डबल हो गया? नहीं ये अब डबल हुआ है। ओए होए होए, अब भी डबल हुआ है यार। ओए होए, ये कौन सा सॉस है?
ये हमारा अपना घरेलू सॉस है। घरेलू सॉस ये भाई, घरेलू सॉस। और ये आ गया केचप हो गया, चिली गार्लिक। यार तुम्हें जो है ना काफी लोगों ने विश किया कमेंट्स के अंदर, यार माशाल्लाह जबरदस्त यार। तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? ये लोगों का प्यार है, इनकी मोहब्बत है, बहुत ज्यादा खुशी हुई इतने सारे कमेंट देख के, इतने सारे विशेष देख के। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सबको पर्सनली जाके रिप्लाई किया है, लेकिन अगर किसी को नहीं कर पाया हूँ रिप्लाई, तो उसको मैं दोबारा बोलता हूँ थैंक यू सो मच भाई, दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच, दिल की अता गहराइयों से। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने एपिसोड नंबर 3 में जो हम लोगों ने हुसैनाबाद वाली बनाई थी, उसमें ये कहा था कि 40K व्यूज अगर इस पे हो गए तो जो है ना गिव अवे करेंगे, तो उस पे अभी तक 40K नहीं हुए और एक दो दिन बाकी रह गए। भाई जल्दी जल्दी से जो है ना एपिसोड नंबर 3 को आप शेयर करो, ताकि जो है ना 40K व्यूज हो जाए। ओ भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बात तो ये है कि मैं जो है ना इसको खाऊं कैसे, पहले तो मेरे लिए इम्तिहान ये बना हुआ है। ओए हो, मेरे को जबड़े में दर्द पड़ गया यार, तड़क की आवाज आई। भाई जाहिर बात है इसको जो है ना खाने के लिए आपको कम से कम 18.5 इंच का मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, और जब मैंने खोला है तो यहाँ से टड़क की आवाज आई है, बकायदा मुझे यहाँ पे दर्द पड़ गया है। तुम भी बोल रहे हो 18.5 इंच का मुंह, ये मुंह है कोई दुकान की शटर है 18.5 इंच। और अगर एक बंदे ने ये पूरा खा लिया ना, मैं कह रहा हूँ अगले दिन तक उसका पेट फुल रहेगा। यार हमसे तो जो है ना बर्गर खत्म हो नहीं रहा, तो हम लोगों ने पार्टनर मंगा लिए। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत? और शुक्र है मालिक। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं? वीडियो देखते हैं आप हमारी, कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है यार, क्या बात है, आप भी हमें अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाई ये कितने का था यार जिंगर? सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए का। 300 रुपए का मैं के बस। अब तो इसकी चिकन की दुकान अपनी होगी। पोल्ट्री फार्म होगा भाई, यहाँ तो इसको ब्रेड मायो वगैरह कोई दे रहा होगा। और हम लोग एक जगह लिफ्ट के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर एक जगह देखिए बड़ी अच्छी सी है, विजिट करवाते हैं। विजिट कराते बाहर से तो नजर आ रही है, विजिट कराते देखते हैं उधर कोई इस कंटेंट के हिसाब से कोई चीज हमें मिलती है कि नहीं। कैसा माहौल है भाई? वाह भाई वाह। कुछ चेक करना यहाँ का मेन्यू चेक करो। वैसे ये है कि रैंडम आ गए हम लोग, नीचे से देख रहे थे अच्छी वाइब्स आ रही थी। अभी चेक करते हैं यहाँ पर मेन्यू सिस्टम बना हुआ तो अच्छा है, मेन्यू में पड़ा हुआ है। भाई ये मेन्यू उठा ले। इसके मेन्यू में तो हमें अपने लिए कुछ भी समझ ना आया भाई। इस जिंगर के बाद हमारे टोटल बन चुके हैं 910 रुपए और पीछे रह गए 1090 रुपए। तो अब क्या खाना है माजिद? यार जो भी खाना है थोड़ा जल्दी खा लो यार, आईफोन 16 लॉन्च हो गया, मुझे वो भी लेना है। हाँ तो चलो आओ फिर ठंडा पी कर निकलते हैं, मुझे भी 2 अदद लेने हैं। चलो आओ ठंडा हम लोग पीते हैं सोडा पंच से। माजिद क्या पीना है? मैं तो कह रहा हूँ यार यहाँ से जो ना सोडा मोडा नहीं, थोड़ा स्लश पी लेते हैं। यही बात है भाई, हम लोग फ्लेवर लगवा रहे हैं कुल्की चिली। ओ भाई कुल्की चिली ये कौन सा फ्लेवर है भाई? ये आ गया ग्राइंडर के अंदर। हाँ भाई ये मशीन पे लगा के अब जो है ना ग्राइंड होगा। ये हमारा कुल्की चिली स्लश तैयार हो चुका है भाई। भाई स्लश के ऊपर हम लोगों ने मसाला ऐड करवा दिया, ये देखें। अच्छा स्लश में माजिद एक क्वालिटी है, स्लश में ये होता है कि इसको जितना भी शेक करोगे ना जो है ना इसकी आइस मेल्ट होती है और एक अच्छा फ्लेवर, गाढ़ा फ्लेवर छोड़ती है। मतलब कि एंड तक ये फ्लेवर देता ही रहता है, एंड तक आखिरी सिप तक ये अच्छा फ्लेवर देता ही रहता है। माजिद इस ठंडे के बाद हमारे पास पीछे रह गए हैं 940 रुपए। तो अब क्या खाया जाए? अब क्या खा रहे हैं? देखिए यहाँ पे खाउसे का फूड कार्ट नजर आ रहा है। किसका? खाउसे का। खाउसे का। अरे हाँ हम लोगों ने काफी टाइम हुआ ट्राई भी नहीं किया। हाँ सही कह रहे हो। और यहाँ पर ये खाउसे का नया सेटअप है, अभी देखते हैं कि भाई इसका खाउसा कैसा है। चले जी ये अपने खाउसे लगवाते हम लोग। ये आ गई कोकोनट कड़ी, ये आ गई चिकन भर भर के, ये क्या चीज है? गार्लिक है, फ्राइड गार्लिक। अच्छा फ्राइड गार्लिक। और ये कौन सा मसाला है? खाउसा मसाला। ये आ गई भाई इसकी सजावट, ये आ गया लीम ऊपर से। ओए स्लिम्स। ये हमारे पास बाउल आ चुका है भाई, खाउसे बाई टी के खाउसे का बाउल। खाउसे को जो है ना बाइट इसका ऐसा लेना चाहिए जिसके अंदर आपके नूडल्स भी आ जाएं, पापड़ी भी आ जाए, चिकन भी आ जाए और उसकी कड़ी भी आ जाए, वरना फिर जाना सही टेस्ट नहीं आएगा यार। ऑथेंटिक खाउसे वाला जो टेस्ट है ना वो इसके अंदर ज़रा मिसिंग है। जिस तरह का जो कड़ी है ना, कड़ी का भी इतना वो खास जायका नहीं आ रहा है। खाउसे के अंदर जो कड़ी डलती है ना, वो कड़ी इतनी जानदार होती है, फ्लेवरफुल होती है कि पूरे खाउसे को उसने उठाया हुआ होता है।
लेकिन इसकी कड़ी में वाकई वो वाला मजा नहीं है यार। हाँ तो माजी जी, खौसे का बाउल हमारे कितने रुपए ले रहा यार? ये बाउल हमारे 350 रुपए ले। 350 रुपए इस हिसाब से हमारे टोटल बन गए 1410 और पीछे रह गए 590 रुपए। भाई मुझे जो है ना इसके अंदर अभी भी 3 आइटम खाने, मेरा तो दिल कर रहा है यार तब से घूमने, लेकिन मीठा नहीं खाया। मीठा खिला दो। मीठा खाना है? तो चलो आओ, मैं तुम्हें जाना कॉर्न डॉग खिलाता हूँ मीठे में। कॉर्न डॉग थोड़ी कोई मीठा होता है यार। अबे इधर आओ तो सही, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, कॉर्न डॉग भी मीठे बनने लग गए हैं। आ जाओ मैं तुम्हें मीठा कॉर्न डॉग खिलाता हूँ, आ जाओ। नहीं दरिया को भाई। हाँ मीठा कॉर्न डॉग खिलाऊंगा अभी मैं माजिद को। माजिद ये मीठा कॉर्न डॉग मैं तुम्हें खिलाऊंगा किंग कॉर्न डॉग बाइट से। मीठा कॉर्न डॉग भी आ गया ना मार्केट में, पक्की बात है भाई? इस मेरे दोस्त को बताओ कि भाई वाकई मीठा कॉर्न डॉग भी आ गया मार्केट में। अच्छा भाई, ये हमारे मीठे कॉर्न डॉग की जो है ना तैयारी शुरू हो रही है। कौन सा चॉकलेट है ये? मेरे ख्याल से मार्स। ये आ गया स्टिक के अंदर, अब क्या आएगा? अच्छा इसके ऊपर भी मैदा लगता है? अच्छा अच्छा, मीठा हो चाहे खट्टा हो चाहे नमकीन हो, मैदा लगेगा भाई। ये आ गया ब्रेड क्रम्स। चले जी, ये हमारा चोको लोको कॉर्न डॉग रेडी हो चुका है। माये ये रहा हमारा मीठा कॉर्न डॉग जिसका नाम है चोको लोको। क्या? चोको लोको। चोको लोको। ओए गरम है। चले जी दोबारा से। पता है सही इसका जो एक्चुअल टेस्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? क्या तुमने कभी न्यूटेला पराठे में लगा के खाई है? भाई वाकई, हाँ ऐसा टेस्ट है जिस तरह हम लोग न्यूटेला पराठा खाते हैं ना, उसी तरह ही सेम एज इट टेस्ट, वही टेस्ट। हाँ तो सही, अब ये हमारे चोको लोको कितने ले गया भाई? भाई ये चोको लोको मीठा कॉर्न डॉग हमारे ले गया 450 रुपए। 450 रुपए? हाँ थोड़ी रकम ज्यादा है यार। ज्यादा, लेकिन यार जायका अच्छा था, मजा आया, मतलब हैवी था। हाँ अगर दो बंदे इसको शेयर करके खा ले तो खा सकते हैं? तो खा सकते, मतलब इस हिसाब से हमारे पास पीछे रह गए हैं 140 रुपए। जिंगर खाया? जिंगर खाया। विदाउट फ्राइज खाया है ना? हाँ। अब और मैं यहाँ कब से देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, लड़कियाँ भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, फैमिलीज भी आ रही हैं। कंटिन्यू वहाँ देख रहा हूँ यही प्राइस यार। हाँ पता नहीं वहाँ से फ्राइज फ्राई कर लेते हैं। यहाँ के जो है ना सबसे फेमस फ्राइज लग रहे हैं, हर कोई आके इस फ्राइज को खा रहे हैं। भाई हम कौन सा लगवा रहे हैं माजिद? भाई बटर चीज। बटर चीज फ्लेवर लगवा रहे हैं? ओ भाई ये बटर चीज लग रहा है हमारा। ओए ओए खड़ा खड़ा चिप्स है भाई। खा के देखते हैं कि इनके फ्राइज में ऐसी क्या बात है जो नॉर्थ नाजमाबाद का हर बंदा इन्हीं से ही फ्राइज ले रहा है। अब पता लगा के इर्द गिर्द ये इतने बंदे क्यों है खाने वाले। दम है भाई, दम है। भाई ये थी रेगुलर फ्राइज और जो कि हमारे पूरे पैसों पे बैठी 140 रुपए। भाई 140 रुपए में यही हुआ, इसके साथ साथ हमारे 2000 रुपए मुक गए। अभी हमें पता लगा कि 5-स्टार चुरंगी हमें 2000 रुपए में इतना ही कुछ दे सकती है। और ये भी जो है ना बड़ी कोशिशों के बाद हम लोगों ने बड़ा इधर ढूंढा आपके लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने बड़ी मेहनत की। आज की वीडियो कैसी लगी आप लाइक करिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।